नवंबर का महीना बीत चुका है और दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है और नवंबर के पूरे महीने में टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कार्स कौन सी रही, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। यहां पर एक दो नई एंट्रीज भी हुई हैं, इसके अलावा जो पोजीशन रहती है वो भी चेंज हुई है। कौन सी गाड़ी की कितनी यूनिट्स बिकी हैं, क्या है उनकी दिसंबर महीने की एक्चुअल प्राइस, सभी जानकारियां मिलेंगी आपको आज की इस वीडियो में ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। शुरुआत करते हैं 25th पोजीशन पर आने वाली मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा के साथ ही। कुछ महीने पहले ही लॉन्च हुई और टॉप 25 में जगह बनाने में कामयाब हो गई मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा एक मिड साइज एसयूवी है जिसके 4,433 यूनिट्स बिके हैं। यहां पर ग्रैंड विटारा की जो एक्चुअल प्राइस है वो 10,45,000 रुपए से शुरू होती है और 19,65,000 रुपए तक जाती है। 24th पोजीशन पर आई है टाटा की प्रीमियम हैचबैक अल्ट्रोज। 5,084 यूनिट्स बिके हैं इस प्रीमियम हैचबैक के। इसकी एक्चुअल प्राइस 6,34,000 रुपए से शुरू होती है और टॉप वेरिएंट के लिए 10,25,000 रुपए तक जाती है। इसमें अब आपको DCT ट्रांसमिशन भी देखने को मिल जाता है और आने वाले साल में आपको इसमें EV और CNG का ऑप्शन भी देखने को मिल सकता है। 23rd पोजीशन पर मारुति सुजुकी इग्निस। 5,087 यूनिट्स बिके हैं इसके नवंबर के महीने में पूरे भारत के अंदर। मारुति सुजुकी इग्निस एक छोटी हैचबैक है जो दिखने में काफी प्रीमियम लगती है। यहां पर आपको इसमें कई सारे डिसेंट फीचर देखने को मिल जाते हैं। इसका एक डिटेल वीडियो हमने चैनल पर काफी टाइम पहले बनाया था। यहां पर एक मोस्ट अंडररेटेड कार है जो एक बजट फ्रेंडली गाड़ी होने के साथ साथ काफी फीचर रिच भी है। काफी टाइम से इसको कोई अपडेट नहीं मिले हैं, इसको अपडेट मिलने चाहिए। मारुति इग्निस की प्राइस शुरू होती है 5,17,000 रुपए से और 7,70,000 रुपए तक जाती है। इसके बाद 22 पोजीशन पर टाटा की टियागो एक कॉम्पैक्ट हैचबैक है जिसके 5,097 यूनिट्स बिके हैं नवंबर के महीने में पूरे भारत के अंदर। यहां पर इसमें आपको पेट्रोल के अलावा CNG का ऑप्शन भी मिलने लग गया है। साथ ही साथ ग्लोबल एनकैप में 4 स्टार की रेटिंग मिली है इस हैचबैक को और दिखने में भी काफी अच्छी है। रोड प्रेजेंस भी इसकी काफी शानदार है। सेल्स के मामले में भी अब ये काफी तेजी से ग्रो कर रही है। यहाँ पर इसकी जो एक्चुअल प्राइस है वो 5,44,000 रुपए से शुरू होकर के 7,90,000 रुपए तक जाती है और यहाँ पर आपको इसके साथ एक टियागो एनआरजी वेरिएंट भी देखने को मिल जाता है जिसकी प्राइस अराउंड 6.5 लाख रुपए शुरू हो जाती है। 21st पोजीशन पर महिंद्रा की XUV700O। 5,701 यूनिट बिके हैं XUV700O के। यहाँ पर इसमें आपको 5 और 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल जाती है। ये गाड़ी काफी प्रीमियम है। इंटीरियर को काफी ज्यादा पहले के मुकाबले अपडेट कर दिया गया है और ये गाड़ी रोड प्रेजेंस के मामले में भी बहुत अच्छी है। प्राइस की बात करें तो धीरे धीरे कई बार इस पर प्राइस बढ़ाए जा चुके हैं, उसके बाद भी इसका क्रेज कम नहीं हो रहा है। अभी भी इस पर लगभग 8 से 9 महीने का वेटिंग पीरियड देखने को मिल रहा है और 13,45,000 रुपए से इसकी एक्चुअल प्राइस शुरू होती है और 24,95,000 रुपए तक जाती है। 28th पोजीशन पर महिंद्रा XUV300O। 5,903 यूनिट्स बिके हैं। ये एक सब 4 मीटर SUV है। 5 स्टार की रेटिंग इसको ग्लोबल एनकैप में मिली हुई है। अभी हाल ही में इसका एक स्पोर्ट्स वेरिएंट भी लॉन्च किया गया है जो थोड़ा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है और नया कलर ऑप्शन भी उसके साथ आपको मिल जाता है। XUV300O की प्राइस है वो शुरू होती है 8,41,000 रुपए से और 14,07,000 रुपए तक जाती है। 19th पोजीशन पर किया की MUV कारेंस। 6,360 यूनिट्स बिके हैं किया कारेंस के। इस गाड़ी में भी काफी प्रीमियम फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। लुक भी काफी डिसेंट है और ऑल ओवर प्रेजेंस जो है वो भी काफी प्रीमियम लगती है। यहाँ पर इसकी जो एक्चुअल प्राइस है वो 10 लाख रुपए से शुरू होती है और टॉप वेरिएंट के लिए 18 लाख रुपए तक जाती है। इसमें इसके प्राइस के हिसाब से काफी अच्छे फीचर्स दिए गए हैं और उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी काफी शानदार तरीके से किया हुआ है जिससे कि आम लोग जो इसको पसंद करेंगे उनको आसानी से ये समझ में आ जाए। 18th पोजीशन पर महिंद्रा की स्कॉर्पियो। 6,455 यूनिट्स बिके हैं महिंद्रा स्कॉर्पियो के। इसमें स्कॉर्पियो N और महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक भी शामिल है। स्कॉर्पियो N की प्राइस शुरू होती है 11,99,000 रुपए से और टॉप वेरिएंट के लिए इसकी प्राइस जाती है 23,90,000 रुपए तक। और वहीं महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक की प्राइस शुरू होती है 11,99,000 रुपए से और 15,49,000 रुपए तक जाती है। बात करते हैं अगली अपडेट की मारुति सुजुकी इको। 17th पोजीशन पर 7,183 यूनिट्स बिके हैं। मारुति सुजुकी इको को अभी हाल ही में अपडेट करके लॉन्च किया गया है। कुछ नए फीचर्स मिल जाते हैं। 5,13,000 रुपए से प्राइस शुरू होती है और 6,44,000 रुपए तक जाती है। 16 पोजीशन पर Hyundai की i20। ये एक प्रीमियम हैचबैक है। 7,236 यूनिट बिके हैं Hyundai i20 के।
इसकी जो एक्शोरूम प्राइस है वो शुरू होती है 7,07,000 रुपए से और टॉप वेरियंट के लिए 11,62,000 रुपए तक जाती है। इसके बाद किया सोनेट 15 पोजीशन पर 7,834 यूनिट बिके हैं। सब 4 मीटर एसयूवी है, रोड प्रेजेंस काफी शानदार है, इंटीरियर में काफी प्रीमियम फीचर्स मिल जाते हैं, हाल फिलहाल अपडेट भी मिले हैं, टॉप वेरियंट इसका लॉन्च किया गया है और एक्शोरूम प्राइस 7,49,000 रुपए से शुरू होकर के एक्स लाइन वेरियंट जो कि इसका टॉप वेरियंट है 13,99,000 रुपए तक जाती है। 14 पोजीशन पर ह्युंडई की ग्रैंड आई10 नियोस 7,961 यूनिट बिके हैं। ह्युंडई की ग्रैंड आई10 नियोस के अभी हाल फिलहाल कुछ टीजिंग इमेज निकल करके सामने आई है जहां पर इसका अपडेटेड मॉडल लॉन्च किए जाने की बात की जा रही है, जहां पर नए अलॉय व्हील्स, नया इंटीरियर और फ्रंट फेशिया थोड़ा सा चेंज किया जाएगा। ह्युंडई ग्रैंड आई10 नियोस की एक्शन प्राइस शुरू होती है 5,42,000 रुपए से और टॉप वेरियंट के लिए 8,46,000 रुपए तक जाती है। 13 पोजीशन पर महिंद्रा की बुलेरो जिसके 7,984 यूनिट्स बिके हैं। महिंद्रा बुलेरो की प्राइस शुरू होती है 9,53,000 रुपए से और 10,48,000 रुपए तक जाती है। इसका एक नियो वेरिएंट भी आता है जो थोड़ा सा एसयूवी लुक में आता है और इंटीरियर थोड़ा प्रीमियम मिल जाता है बुलेरो के मुकाबले। 9,48,000 रुपए इसकी प्राइस शुरू होती है और टॉप वेरिएंट के लिए 11,99,000 रुपए तक जाती है। 12 पोजीशन पर किया सेल्टॉस मिड साइज एसयूवी है, 9,284 यूनिट्स बिके हैं किया सेल्टॉस के। किया सेल्टॉस की प्राइस शुरू होती है 10,49,000 रुपए से और टॉप वेरिएंट के लिए 18,65,000 रुपए तक जाती है। किया सेल्टॉस का ग्लोबल मार्केट में एक अपडेटेड वर्जन लॉन्च कर दिया गया है और नेक्स्ट ईयर इसको इंडिया में भी अनवील किया जाएगा। 11 पोजीशन पर ह्युंडई की वेन्यू 10,738 यूनिट बिके हैं ह्युंडई वेन्यू के। सब 4 मीटर एसयूवी है, इसी साल अपडेट मिले हैं और काफी प्रीमियम बना दिया गया है पहले के मुकाबले। स्लाइटली प्राइस को भी अपडेट किया गया है और करंट एक्शोरूम प्राइस 7,53,000 रुपए से शुरू होकर के 12,72,000 रुपए तक जाती है। टॉप 10 में जितनी भी गाड़ी आई हैं सब 10,000 से ज्यादा ही बिकी हैं। 10 पोजीशन पर आई है मारुति सुजुकी ब्रेजा 11,324 यूनिट्स बिके हैं। मारुति ब्रेजा को इस साल अपडेट मिल गए हैं और सेल्स काफी अच्छी हो रही है, रोड प्रेजेंस भी काफी शानदार है और इसका जो रियर प्रोफाइल है वो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। एक्शोरूम प्राइस शुरू होती है 7,99,000 रुपए से और 13,96,000 रुपए तक जाती है। अभी अपडेट निकल करके सामने आई है कि अभी तक तो केवल ये पेट्रोल वेरिएंट में ही आती है, लेकिन आने वाले टाइम में आपको इसका सीएनजी वेरिएंट भी देखने को मिल सकता है। 9 पोजीशन पर टाटा की पंच 12,131 यूनिट बिके हैं टाटा की पंच के। 5 स्टार की रेटिंग इसको सेफ्टी में मिली हुई है, एक छोटी एसयूवी है, रोड प्रेजेंस के मामले में भी काफी डिसेंट है। एक्शोरूम प्राइस शुरू होती है 6,00,000 रुपए से और टॉप वेरिएंट के लिए इसकी प्राइस जाती है 9,54,000 रुपए तक। 8 पोजीशन पर आई है ह्युंडई की मिड साइज एसयूवी क्रेटा 13,321 यूनिट बिके हैं ह्युंडई क्रेटा के। नॉर्मली इसकी सेल्स इतनी ही रहती है और 12-13 हजार यूनिट तो नॉर्मली इसके हर महीने बिकते ही बिकते हैं। अब अपडेट निकल करके ये भी सामने आई है कि ह्युंडई क्रेटा का जो अपडेटेड मॉडल है वो अगले साल लॉन्च किया जाएगा। उसका लुक अभी की जो करंट जनरेशन टूसॉन बिक रही है मार्केट में लगभग 35-40 लाख रुपए के बजट में आने वाली एक एसयूवी है, उस जैसा फ्रंट फेशिया रहने वाला है। एक्शोरूम प्राइस शुरू होती है ह्युंडई क्रेटा की करंट जनरेशन की 10,44,000 रुपए से और टॉप वेरियंट के लिए 18,24,000 रुपए तक जाती है। 7 पोजीशन पर मारुति सुजुकी अर्टिगा 13,818 यूनिट्स बिके हैं मारुति सुजुकी अर्टिगा के। मारुति की तरफ से आने वाली एमयूवी है जो कि एक बजट फ्रेंडली एमयूवी है। यहां पर ही आपको 7 सीटर में मिल जाती है और इसकी एक्शोरूम प्राइस 8,41,000 रुपए से शुरू होकर के 12,80,000 रुपए तक जाती है। इसके बाद मारुति सुजुकी डिजायर 6 पोजीशन पर सेडान है मारुति की तरफ से, सबसे ज्यादा बिकने वाली सेडान है। 14,456 यूनिट बिके हैं इसके नवंबर के महीने में पूरे भारत के अंदर। हमेशा ही टॉप पर रहने वाली सेडान है, टॉप 10 में जगह बनाने में नॉर्मली ये कामयाब हो ही जाती है। नेक्स्ट ईयर इसको भी अपडेट किया जाएगा, फिलहाल इसमें सीएनजी लॉन्च कर दिया गया है, इसकी वजह से सेल्स और भी ज्यादा बेहतर हुई है। एक्शोरूम प्राइस शुरू होती है 6,23,000 रुपए से और 9,17,000 रुपए तक जाती है। इसके बाद मारुति सुजुकी वैगनार 5th पोजीशन पर 14,720 यूनिट बिके हैं इस हैचबैक के। स्पेशियस हैचबैक है, यहाँ पर एक बजट फ्रेंडली स्पेशियस हैचबैक आप इसको कह सकते हो। टॉल बॉय लुक है, पेट्रोल और सीएनजी दोनों में अवेलेबल है। वेरिएंट की प्राइसेस की बात करें तो 5,47,000 रुपए से शुरू होती है और टॉप मॉडल के लिए 7,19,000 रुपए तक जाती है। 4th पोजीशन पर मारुति सुजुकी स्विफ्ट 15,153 यूनिट बिके हैं मारुति सुजुकी स्विफ्ट के। स्विफ्ट जो है एक कॉम्पैक्ट हैचबैक है, यहाँ पर इसकी सेल्स काफी टाइम से इतनी ही हो रही है, इसकी डिमांड काफी ज्यादा रहती है। इसको जब से अपडेट किया गया है ये और भी ज्यादा प्रीमियम कर दी गई है। हालांकि नॉर्मली इंटीरियर इतना खास नहीं है इसका, लेकिन ऑल ओवर देखा जाए तो एक बजट में एक अच्छी ऑफरिंग है ये मारुति सुजुकी की तरफ से, जिसकी सेल हर महीने ही 14-15 हजार तो होती ही होती है।
एक्शरूम प्राइस शुरू होती है 5,91,000 रुपए से और 8,84,000 रुपए तक जाती है और इसमें अब सीएनजी को भी लॉन्च कर दिया गया है। थर्ड पोजीशन पर मारुति सुजुकी ऑल्टो 15,663 यूनिट्स बिके हैं। अभी इसका K10 वर्जन भी लॉन्च कर दिया गया है। जैसे दोस्तों अभी हमने बीच बीच में आपको बताया कि गाड़ी लॉन्च हुई है, अपडेट हुई है, इसका फीचर डिलीट किया गया है या इसमें नया वेरिएंट ऐड किया है या इसकी प्राइस बढ़ी है या इस पर डिस्काउंट है, तो ये सारी जानकारियां हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं और संडे कार न्यूज में जो पूरे हफ्ते की न्यूज होती है उनको हम शामिल करते हैं और डिटेल में आपको जानकारी देते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। ऑल्टो में आपको दो वेरिएंट मिलते हैं, ऑल्टो 800 और K10। ऑल्टो 800 की प्राइस शुरू होती है 3,39,000 रुपए से और 5,02,000 रुपए तक जाती है और ऑल्टो K10 जिसको हाल फिलहाल लॉन्च किया गया है उसकी प्राइस शुरू होती है 3,99,000 रुपए से। अब इसमें SCNG भी आता है, टॉप वेरिएंट में आपको मिल जाता है VXi S के साथ जिसकी प्राइस है 5,95,000 रुपए। इस महीने नंबर 1 SUV और भारत की टॉप 25 कारों में सेकंड पोजीशन पर है टाटा की नेक्सॉन। टाटा नेक्सॉन की 15,871 यूनिट्स बिकी हैं। इसकी नॉर्मली 14-15,000 यूनिट तो हर महीने बिकती ही हैं। सब 4 मीटर SUV की टॉपर बनी रही है पूरे साल भर, एक दो बार ही पीछे हुई है लेकिन टॉपर है। यहाँ पर आपको काफी अच्छी ऑफरिंग मिल रही है और इसमें आपको कई सारे वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। लगभग 60-65 वेरिएंट इसमें आपको ऑफर किए जाते हैं, पेट्रोल, डीजल, मैनुअल, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। इसके अलावा इसका EV वेरिएंट भी आता है मार्केट में जो कि आपको 15-22 लाख रुपए के बजट में देखने को मिल जाता है। तो टाटा नेक्सॉन टॉपर है इस महीने SUV सेगमेंट की और दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है टॉप 25 की लिस्ट में। हाँ, अभी हाल ही में इसके प्राइजेस को 10-18,000 रुपए तक बढ़ा दिया गया है, उसकी जानकारी हमने संडे कार न्यूज एपिसोड में आपको दे दी थी। करंट एक्शोरूम प्राइस शुरू हो रही है इसकी 7,69,000 रुपए से और टॉप वेरियंट के लिए इसकी प्राइस जाती है 14,18,000 रुपए तक। और इस महीने टॉप 25 की लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन पर आई है मारुति सुजुकी बलेनो जो कि एक प्रीमियम हैचबैक है जैसे i20 और अल्ट्रोज आते हैं। इसकी 20,945 यूनिट बिकी हैं नवंबर के पूरे महीने में भारत के अंदर। एक्शोरूम प्राइस की बात करें तो 6,42,000 रुपए से शुरू होती है और टॉप वेरिएंट के लिए 9,60,000 रुपए तक जाती है और इसमें भी अब पेट्रोल के अलावा CNG अवेलेबल करवा दिया गया है। अब इसमें भी आपको पेट्रोल के अलावा CNG भी अवेलेबल करवा दिया गया है। तो CNG अगर आप लेने का मन बना रहे हो तो इसका आपको डेल्टा वेरिएंट लेना पड़ेगा। डेल्टा और जीटा में ही CNG की ऑफरिंग है और केवल मैनुअल ट्रांसमिशन में ही CNG आपको देखने को मिलता है। तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।